हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 22 का ए वाला पार्ट। और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। देखो, इसमें हमको बोल रहा है टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर बियरिंग नंबर 4, 6, 7, 9, 11, 12। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑब्टेंड इज एन ओड नंबर। देखिए यहाँ पे क्या बोल रखे हैं, दो डाइस हैं हमारे पास जिनको हम एक साथ रोल कर रहे हैं, जिनके ऊपर नंबर ये है 4, 6, 7, 9, 11, 12। देखिए नॉर्मल जो हम डाइस देखते हैं उसमें नंबर हमारे अपने तरफ से होता है ना, कौन से होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना, ये टोटल 6 नंबर होते हैं हमारे, ठीक है। लेकिन अभी हमको जो डाइस दे रखा है वहाँ पर नंबर थोड़े चेंज करके दे रखे हैं, ठीक है। देखो तो हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। जो हमको नंबर मिले वो कैसा मिले, ओड नंबर मिले। देखिए सबसे पहले देखो, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए होते हैं, दो चीज़ चाहिए, एक तो फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल आउटकम्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे हमने इससे पहले हम जान चुके हैं कि जब हमारे पास जो डाइस होता था उसमें नंबर होते थे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये नंबर होते थे। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर दो डाइस को हम रोल करते थे, ठीक है, इस टाइप में अगर हम करें तो देखो हमारे पास क्या हो रहा है, 6 इधर और 6 इधर, है ना। ये हो सकता है हम जैसे एक बार हम रोल करें तो हमारे पास हो सकता है पहले में 1-1 आ जाए, दूसरे में हमारे पास फॉर एग्जांपल 1-2 आ जाए, 1-3 आ जाए, 1-4 आ जाए। इस टाइप में हम पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो जो टोटल आउटकम्स होते थे वो हमारे पास कितने निकलते थे, 6 × 6, यानी 6 इधर भी और 6 इधर भी। तो टोटल जो आउटकम्स आते थे वो हमारे पास कितने आते थे, 6×6=36, ठीक है। तो देखो सिमिलरली यहाँ पे आपके पास जो नंबर दे रखे हैं वो 6 ही नंबर दे रखे हैं ना, 4, 6, 7, 9, 11 और 12। तो यहाँ पे भी जो टोटल आउटकम्स रहेंगे वो हमारे पास कितने रहेंगे, देखो नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, 4, 6, 7, 9, 11 और 12, यहाँ पे भी 6 नंबर है। तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स रहेंगे, ठीक है, देखो यहाँ से अच्छे से करते हैं अपन, देखो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स रहेंगे, टोटल आउटकम्स, देखो जो टोटल आउटकम्स हैं वो हमारे पास रहेंगे कितने, 6×6, जो कि हो जाएंगे हमारे पास कितने, 36। और फिर आपको निकालना है फेवरेबल आउटकम। देखिए फिर हमको निकालना है फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स यानी कि जिसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी हमको किसकी फाइंड आउट करनी है, देखिए हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑब्टेंड इज एन ओड नंबर, यानी कि अगर उनका हम जो प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें जो नंबर आएगा वो हमारा ओड आना चाहिए। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखिए ओड वाली चीज़ एक प्रॉपर्टी आप याद रखो, जैसे हमारे पास क्या है, जब हम कोई इवन और इवन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक इवन नंबर आता है, और जब हम ओड और ओड का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक ओड नंबर आता है। फॉर एग्जांपल जैसे 2 × 2 अगर 3 करें, सॉरी यहाँ पे मैंने एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लिया 4, तो देखो दोनों इवन नंबर है, 2 × 4 = 8 आया, ये भी एक इवन नंबर आया, है ना। जैसे ओड लिया हमने, एक ओड नंबर लिया 3, एक नंबर मान लो 5 मान लिया, तो 3×5 = कितना आता है, 15, तो ये भी एक ओड नंबर होता है। तो जब भी हम क्या करते हैं, जब एक ओड और एक ओड का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक ओड नंबर आता है, और जब इवन और इवन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक इवन नंबर होता है, ये आप याद रखना। तो देखो यहाँ पे भी यही बोला कि प्रोडक्ट आपका कितना आना चाहिए, एक ओड नंबर आना चाहिए। तो हमको क्या देखने पड़ेंगे, ओड ओड की कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो देखो क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे 4×4 आएगा तो ये तो एक इवन आ जाएगा, 4×6 आएगा तो ये भी एक इवन आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर हमारे क्या होने चाहिए, ओड आने चाहिए, तभी हमारे पास क्या रहेगा, वो हमारा एक ऐसा नंबर आएगा जो कि एक ओड रहेगा उनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो क्या क्या हो सकते हैं, देखो 4×6 तो हो नहीं सकता, है ना, हमारा एक ओड नंबर है 7 है, 9 है और 11 है, इन्हीं का आपस में कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपको। तो देखो क्या होगा, फॉर एग्जांपल पहले वाले पे 7 आ जाए और दूसरे वाले पे भी 7 आ सकते हैं, तो 7×7 = 49 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। हो सकता है पहले पे 7 आ जाए फिर 9 आ जाए, तो 7×9 हो सकता है। हो सकता है फर्स्ट पे 7 आ जाए, सेकेंड पे हमारे पास 11 आ जाए, तो 7 और 11 हो सकता है, ठीक है। अब देखो 7 का तो हमने बना लिया, फॉर एग्जांपल देखो अब 9 का बनाएं तो 9 के साथ 7 आ सकता है ना, क्योंकि ओड नंबर है। देखो 9 के साथ हमारा 7 आ सकता है, 9 के साथ 9 भी आ सकता है, ठीक है, और 9 के साथ 11 भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो इनका मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना, तो 9×9 = 81, 11×9 = 99, 11×7 = 77, ये हमारे ओड ही आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे। सिमिलरली अब 11 का और देख लेते हैं, 11 के साथ 7 का कर सकते हैं अपन, 11×7 = 11 के साथ 9 का कर सकते हैं हम, और 11 के साथ हम 11 को भी रख सकते हैं,
है ना, 11 11 जो 121 आता है। तो देखो बस यही एक ऐसे पॉसिबल जो फेवरेबल आउटकम रहेंगे जिसमें हमारा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ओड नंबर आएगा, यानी टोटल कितने हो जाते हैं 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो आउटकम्स रहेंगे वो हमारे पास कितने आ रहे हैं 9 आ रहे हैं। और आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, इसी की निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑब्टेंड इज एन ओड नंबर। ठीक है, तो देखो तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस इवेंट की, है ना, यहाँ पे अपना इवेंट लिख सकते हैं अपन, तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो देखो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे, देखो जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम आए वो कितने हैं 9, और जो टोटल आउटकम से वो कितने थे 36, तो 9/36 कैंसिल होगा, 9 1 9 9 4 36, यानी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है आपकी 1/4 आ रही है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बाकी के इस क्वेश्चन जो इस पेपर के सॉल्यूशन है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल ही जाएंगे, मैंने आपको बता ही दिया है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगी और आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा आपको। चलिए चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।